पति बाबू, मुझे कुछ कहना था आपसे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है पंडित। कोई समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। हमारे परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। उस लड़की को ना बंधता किसी ने सिखा कर भेजा है, सब कुछ बताया है हमारे परिवार के बारे में। पर तुम ही बताओ, एक छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ कर सकती है क्या भला? बिल्कुल नहीं। पर बंधता, हमें उसके इस खेल को पलटना होगा। कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है बंधुता। मैं जानता हूँ वो लड़की हमारे परिवार के खिलाफ कोई खेल खेल रही है और इसमें सिर्फ हमारे परिवार का नुकसान होगा और कुछ नहीं। इससे पहले कि वो हमारे परिवार को कोई और नुकसान पहुंचाए, उसे इस घर से बाहर करना होगा। पर कैसे? जानती हो बंधुता, पहले ऐसी बातें मैं सौरभ से कर लिया करता था। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई उपाय निकाल ही लिया करते थे। पर अब किस लाइए पति बाबू, मैं रख देती हूँ किताबों को ठीक से। पहुंचता हाथ नहीं पहुंच। संभल कर। सौरभ जमाई बाबू की तो जगह नहीं ले सकती मैं, पर मदद तो कर सकती हूँ ना आपकी। पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू, लाइए। इन्हें सहारा मिल गया ना दोनों तरफ से, अब नहीं गिरेंगी ये किताबें। थैंक यू समर। वैसे मुझे तो लगता है पति बाबू कि अच्छा ही हुआ जो काका ससुर जी ने उसे रुकने को कहा। अच्छा हुआ? कैसे? अब वो सामने रहेगी तो हम देख पाएंगे कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, और जान लेंगे कि ये सब किसके कहने पर कर रही है और क्यों कर रही है। वाह बंधुता, I'm proud of you। बैरिस्टर मैं हूँ, बैरिस्टर की तरह तुमने सोच लिया। हाँ बहुत अच्छे। तो अब बंधुता तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। जानती हो क्या? तुम्हें उस लड़की के पीछे पीछे घूमना है, बिल्कुल परछाई बनकर। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, उन सारी चीजों पर तुम्हारी नजर रहनी चाहिए, समझी? उसके साथ ऐसे मिलकर रहो कि उसे तुम पर विश्वास होने लगे, उसे ये लगे कि जिस काम के लिए वो यहाँ आई है उसमें तुम उसका साथ दोगी, समझे? ठीक है पति बाबू। वैसे भी काका सिसु जी ने कहा है मुझे कि शुभ्रा माँ कहकर बुलाओ उसे, मैं वही बुलाऊंगी और प्यार से जान लूंगी कि मेरी सासू माँ जी बनकर क्यों आई है यहाँ। हाँ, ये भरोसा जीतने का अच्छा तरीका होगा। और बंधुता एक और बात, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जैसे जैसे ये ताला और चाबी है ना, बिल्कुल ऐसे एक ताले और
चाबी की जोड़ी की तरह। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। सब तुमने, और मेरा मतलब है आपने इतनी सारी रुचि अपने आप बना ली शुभ्रामा। भारी बाबू या कोयली दीदी को बुला लेती, काम में मदद देती ना आपकी वो। प्रसाद तो अपने हाथ से ही बनाना चाहिए घर की लक्ष्मी को, जानो ना। देखा बहू? कहाँ देखा काका ससुर जी, अकेले ही बना लिया सब कुछ शुभ्रामा ने। अरे वही तो देखना है, देखो कितनी गुणवान, संस्कारी और गृह कार्यों में निपुण है हमारी शुभ्रा बहन। कुछ सीखो इनसे। जी काका ससुर जी, अच्छे जब तक ये यहाँ है इनकी छाया बनकर घूमूंगी मैं, वो भी इनके साथ। सब कुछ जान लूंगी मैं इनसे, रसोई और घर के काम कैसे अच्छे से करते हैं। खूब भालो, खूब भालो। शुभ्रा बहन, हाँ? सब सामान मिल गया था ना? हाँ सामान तो मिल गया, मगर क्या हाल कर दिया मेरे रसोई का, कोई सामान अपनी जगह पर नहीं है। अरे बहन, सही जगह पर कैसे होगी कोई चीज, तुम्हारे जाने के बाद ये रसोई, ये घर, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। अब औरत के बिना चार दीवारी मकान तो बन सकती है, पर घर बन सकती है क्या? वो तो दुग्गा माँ ने चमत्कार कर दिया, इसलिए तुम अपने परिवार के पास वापस लौट पाई। लोचिंदा, मैं तो मेहमान हूँ, पर अभी गोपाल की बहू आ गई ना, वो इस हवेली को वापस घर बना देगी। वाह शुभ्रा बहन, तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, हमें याद है तुम जो कहती हो हमेशा सच निकलता है। अच्छा चलो, तुम दोनों सास बहू आपस में बातें करो और प्रसाद बनाओ, हम जाते हैं जमींदारी संभालने। ये बौंदे तो यहाँ से जाएगी, तभी मैं उनके कहे अनुसार खीर में जहर मिला पाऊंगी। दा, दा, क्या हुआ बिनॉय? क्या हुआ? क्या सुन रहे दा? हमें एक दिन के लिए हवेली से बाहर क्या गए, आपने उस झूठी लड़की को हवेली में आने दिया। झूठी नहीं है वो बिनॉय, उसने अपना सच सबके सामने प्रमाणित किया है। हाँ दा, मुझे पता चला, मुंशी ने मुझे बताया, पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उस लड़की पर। चलो चलो, एक बात तो अच्छी है, कम से कम किसी मामले में तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की राय मिलती है। लेकिन हमारा यकीन मानो बिनॉय, शुभ्रा बहन यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी से कुछ मांगने नहीं आई है। वो सिर्फ यहाँ अपनी अधूरी पूजा पूरी करने आई है और वो पूरी करते ही लौट जाएगी। आपको जो करना है ना वो कीजिए, वैसे हमारी सुनता कौन है, हर कोई अपनी मन की करता है, और इस हवेली को धर्मशाला बना दिया है। पर दा, हमारी बात का ध्यान रखिएगा, उस लड़की की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम पर।
गोपाल की बहू, तुम्हें और भी काम होंगे ना, तुम वो काम कर लो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। मेरी तो सब काम हो गए। जब आपने तिजोरी खोल दी थी मैं तो तभी मान गई थी कि आप मेरी सासू माँ हो, यानी कि शुभ्रा माँ। एकदम जिद्दी है, मुश्किल से ही बांधते हैं ये सब बातें, मेरा तो झगड़ा भी हो जाते हैं उनसे कई बार। नाना बहू ऐसे नहीं कहते पति बाबू के लिए, जानो ना। अरे गोपाल तो शुरू से ही जिद्दी था, हर बात पर सवाल करता रहता था, बचपन से ही कुछ नहीं मानता था आसानी से। पर तुम क्यों आ गई रसोई में, तुम्हें तो पढ़ना होगा ना, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, मैं संभाल लूंगा। ना ना शुभ्रा माँ, मैंने तो सब कर लिया है, और मुझे भी तो आपके जैसे कुशल गृहिणी बनना है ना। इस पोंदिता से पीछा कैसे छुड़ाऊं? वैसे आपने क्या क्या डाला है खीर में शुभ्रा माँ? वो ज्यादा कुछ नहीं, बस केसर इलायची और थोड़ा सा सूखा मेवा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से उसको भेजना होगा। वो डब्बा लाएगी जरा? अब ये ऐसे ही मंडराती रहेगी तो जो सबसे जरूरी चीज डालनी है खीर में वो कैसे डालूंगी? अब जरा वो तीन चांदी की कटोरियां लाओगी मेरे बेटों के लिए, प्रसाद की खीर जो देनी है वो तो यही है। यही है, लाओ। ससुर जी ने बताया था आपकी अधूरी पूजा के बारे में, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। अरे जब तक तू जाएगी नहीं अधूरा काम कैसे होगा मेरा? सब तैयार हो गया है ना, तो आप प्रसाद चढ़ा दे दुक्का माँ को। नहीं नहीं अभी नहीं, वो खीर गर्म है ना, उसको ठंडा होने दो फिर चलूंगी। काश कोई आकर इस लड़की को लेके जाए यहाँ से, वरना अपना अधूरा काम कैसे करूंगी मैं। बंदिता कुछ समझ नहीं आ रहा मुंशी जी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आप तो इतने सालों से हमारे परिवार के साथ हैं, आपको क्या लगता है कौन होगा इस सबके पीछे? हमारे परिवार का दुश्मन कौन है वो जो हमारे परिवार का सिर्फ बुरा चाहता है? लेकिन मुंशी जी इतना तो तय है कि वो जो भी है हम रॉय चौधरी इसको बहुत अच्छे से जानता है। और कौन हो सकता है छोटे मालिक, कोई दूसरा जमींदार ही होगा जो रॉय चौधरियों के रुतबे से जलता होगा। कोई और जमींदार? हाँ
हो तो सकता है, लेकिन ऐसा कौन जमींदार है जो हमारे परिवार के अतीत को इतनी गहराई से इतना अच्छे से जानता हो? जमींदार नहीं मुंशी जी, कोई और है। छोटी मुंह बड़ी बात छोटे मालिक, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं सौदामिनी तो नहीं। सौदामिनी? नहीं, मतलब वो इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती भी है और सालों से यहीं पास में रहती है, तो मुझे लगा। और दुश्मनी क्या है ये तो आप जानते ही हैं मालिक। मुंशी जी, सौदामिनी तो जेल में बंद है और उसके बाबा और दीदा का कोई अता पता नहीं। हाँ छोटे मालिक, उसका परिवार लापता है, वो खुद जेल में है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि वो जेल से भी साजिश रचने में सक्षम है। अरे मुंशी जी, ये हाथ पर, ये हाथ कैसे जला आपका? बड़ी ताजा चोट लग रही है। हाँ वो धूप से छोटे मालिक। धूप? मतलब पूजा का धूप, वो गिर गया था ना जलाते समय, तो थोड़ा सा है। पौंदी तो किसी ने कांच जलाया आसपास, और तुझे तो पता है ना कांच की बू से कितना सर दुखता है मेरा। क्या करूं अब? मैं जानता हूं संपूर्ण को सर दर्द करता है कांच जलने से। वो मरहम मांगने रसोई में जाएगी, जब बोंदिता वहां से निकलेगी तो वो लड़की अपना काम कर देगी। आप आराम करो दीदी, मैं अभी माथे पे लगाने वाला मलम लाती हूँ आपके लिए। अब जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। अपना हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ये तीन पुड़िया है, दरअसल में ये पुड़िया नहीं है, जहर है। ये जहर समझती है ना? जंगली जहरीले कुकुरमुत्ते के पौधे से बना हुआ धीमा फैलने वाला जहर। ये 5 मिनट के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। तुम्हें रोज एक पुड़िया बारीक पीसकर अनिरुद्ध के खाने में मिलाना है। जैसे ही अनिरुद्ध तीसरी पुड़िया खाएगा ना, और जाएगा अपने भगवान के पास। क्या हुआ छोटी मालकिन? जल्दी से सर दर्द भगाने वाला मलम दीजिए। सर दर्द भगाने वाला मलम अभी लेके आते हैं। पर मालकिन, ये किसके लिए? संपूर्णा दीदी के लिए। पर जल्दी क्यों? अरे भारी बाबू। हाँ ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। वो क्या? अभी लेके आते हैं। भारी बाबू आइए ना। यह लीजिए मालके।
updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.